अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू जिया लाइफ स्टाइल डेली रूटीन ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ खट्टी मीठी मसालेदार आम की चटनी की रेसिपी, जिसे आप एक बार में बनाकर पूरे साल भर के लिए स्टोर करके रख सकते हैं इजीली। लेकिन फ्रेंड्स, आपको वीडियो में बताए हुए टिप्स एंड टाइमिंग पर ध्यान देना होगा, तभी आपकी आम की चटनी पहली बार में ही परफेक्ट बनकर तैयार होगी और ये टेस्ट में बहुत ही लाजवाब होती है। तो आइए हम झटपट ये चटनी बनाना शुरू करते हैं। तो आम की खट्टी मीठी मसालेदार चटनी बनाने के लिए मैंने 1 से 1.5 किलो आम लिए हैं कच्चे, और उन्हें अच्छे से मैंने छील लिया है और छील के मैंने उन्हें फ़ैन के नीचे रख दिया था अच्छे से, ताकि इसका पानी सूख जाए। और उसके बाद में मैं इन्हें ग्रेट करने लगी हूँ। और इस चटनी के लिए मैंने एकदम खट्टे वाले आम नहीं लिए हैं, थोड़ा जो मीठा आम आता है वो मैंने आम इसमें लिया है चटनी बनाने के लिए, और उसी के अकॉर्डिंग हमें इसमें शुगर भी ऐड करनी है। अगर आप खट्टे वाले आम लेते हैं तो शुगर आपको ज़्यादा डालनी होगी, और अगर आप थोड़े मीठे आम लेते हो तो उसमें शुगर थोड़ी हमारी कम लगती है। तो आम का मॉइस्चर अच्छे से सूख गया है, उसके बाद मैंने लिया है ये ग्रेटर। तो मैं करने लगी हूँ आम को ग्रेट, और मीडियम में ग्रेट करने लगी हूँ, ज़्यादा मुझे बारीक नहीं करना है, ना ही ज़्यादा मुझे मोटा ग्रेट करना है। तो इस तरह का ग्रेटर मैंने लिया है जिससे बिल्कुल अच्छे से ग्रेट हो जाएगा। और जो ये साइड का और जो ये मैंगो का साइड का पार्ट है जो ग्रेट नहीं हो पा रहा है, उसको भी मैंने बारीक कट कर लिया है अच्छे से, उसे भी मैं यूज़ करूँगी इस चटनी में। तो सारे आमों को हमें अच्छे से ग्रेट करना है, और ज़्यादा इसमें टाइम भी नहीं लगता है, बहुत ही जल्दी ये रेसिपी बनकर तैयार भी हो जाती है और बहुत ही ज़्यादा यम्मी भी लगती है। और ये देखें, सारा आम मेरा ग्रेट हो चुका है। तो ये देखें, अच्छे से मैंने आम को ग्रेट कर लिया है, और 1.5 किलो आम में से सिर्फ इतना ही इसका पल्प निकला है, ताकि सारा छिलके में और गुठली वगैरह निकल जाते हैं, तो सिर्फ इतना ही मुझे इसका पल्प या गूदा मिला है जिसका मुझे चटनी बनानी थी। तो आइए शुरू करते हैं। मैंने ले लिया है एक पैन, उसको मैंने कर लिया है अच्छे से गरम। मैंने लिया है नॉनस्टिक पैन, आपके पास कोई कढ़ाई है उसको भी आप ले सकते हैं, कोई भी आप बर्तन ले सकते हैं। आम की चटनी के लिए मुझे एक मसाला तैयार करना था, जिसके लिए मैंने लिए हैं कुछ खड़े मसाले। जैसे मैंने 1/2 टेबल स्पून मैंने ज़ीरा लिया है, 1/2 टेबल स्पून मैंने अजवाइन लिया है, 1/2 टेबल स्पून मैंने काली जीरी लिया है, उसके बाद में 1/2 टेबल स्पून मैंने मेथी दाना लिया है, और 1/2 टेबल स्पून ही मैंने सौंफ लिया है। सौंफ का फ्लेवर काफ़ी अच्छा आता है अचार में, तो इसलिए मैंने 1/2 टेबल स्पून से थोड़ा ज़्यादा सौंफ लिया था। इस चटनी में ज़ीरे का फ्लेवर भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग आता है, तो आप चाहें तो ज़ीरा भी थोड़ा एक्स्ट्रा रख सकते हैं, और काफ़ी अच्छा फ्लेवर उससे आता है। और ये मसाले को मैं भूनने लगी हूँ अच्छे से, बिल्कुल गैस को मीडियम फ्लेम भी नहीं करना है, लो फ्लेम पर ही हम इन सभी मसालों को अच्छे से रोस्ट करेंगे। और मसाले हमारे अच्छे से भुनने लगे हैं, इनमें अच्छी सी एक प्यारी सी स्मेल आने लगी है, बहुत ही अच्छी खुशबू आने लग जाती है इनमें से जब ये भुनने शुरू हो जाते हैं। और मसाले मेरे भुन चुके हैं, मैंने एक साइड पर उन्हें निकाल लिया है और उनको मैंने अच्छे से पीस लिया है, उनका पाउडर बना लिया है। और ज़्यादा बारीक पाउडर हमें उसका नहीं बनाना है, थोड़ा दरदरा पाउडर हमें उसका बनाना है। उसके बाद मैंने दूसरा बड़ा पैन लिया है, और जिसमें मैंने जितना भी आम को ग्रेट किया था वो सभी मैंने उस पैन में ऐड कर लिया है, और थोड़ी देर मैंने गैस को ऑन किया है मीडियम फ्लेम पे, और इसको थोड़ी देर मैंने चलाया है 5 से 6 मिनट। 5 से 6 मिनट इसको अच्छे से चलाने के बाद मुझे इसमें ऐड करनी थी शुगर, जो कि मैंने वीडियो में पहले भी आपको बताया है। आम अगर आपके खट्टे हैं और आपने 1 kg आम लिए हैं, तो आपको 1 kg ही उसमें शुगर ऐड करनी होगी, बट मैंने मीठे वाले आम लिए थे, तो मैंने इसमें आम में छिलके और गुठली निकलने के बाद आप 900 ग्राम शुगर भी ऐड कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल परफेक्ट रहेगी खट्टे आम के लिए। बट मैंने इसमें 600 ग्राम शुगर ऐड की थी,
जो कि चटनी बनने के बाद एकदम परफेक्ट थी। तो कोशिश करें कि आम को थोड़ा मीठा लें इस चटनी के लिए, अकॉर्डिंग टू मी। बट आप खट्टे आम से भी इस चटनी को बना सकते हैं, बस उसमें आपको शुगर थोड़ी एक्स्ट्रा ऐड करनी होगी। और ये देखें, जब हमने थोड़ा इसको चलाया है 5 से 6 मिनट और हमने इसको शुगर डाल के चलाया था, तो उसके बाद में इसमें मॉइस्चर आ गया है, बहुत सारा सिरप बन गया है शुगर का। उसके बाद में मैंने थोड़ा सा चिली पाउडर इसमें ऐड किया था, थोड़ा सा फूड कलर यानी जर्दई रंग मैंने इसमें ऐड किया है। आपके पास कोई भी फूड कलर है आप वो भी ऐड कर सकते हैं, कोई फूड कलर नहीं है तो आप हल्दी भी ऐड कर सकते हैं। बट मैंने हल्दी यहाँ पर अवॉइड की थी क्योंकि हल्दी की शायद मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी कच्ची स्मेल रह सकती थी, तो मैंने इसमें फूड कलर ही ऐड किया है जर्दई रंग, जिससे कि बहुत ही प्यारा इसका कलर आया था, ये देखें। और इसको अभी हमें अच्छे से चलाना है, इसको चलाते रहना है थोड़ी थोड़ी देर में। इसको अच्छे से चलाने के बाद इसमें थोड़ी थिकनेस आनी शुरू हो जाएगी, बट हमें इसको ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है। इसको ज़्यादा गाढ़ा अगर हमने कर दिया तो ये ख़राब हो जाएगी, ज़्यादा दिन नहीं चल पाएगी, ये जम जाएगी। इसलिए हमें इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी पतली ही रखनी है, ज़्यादा हमें इसको गाढ़ा नहीं करना है, नहीं तो ये जम जाएगा। और इसी स्टेज पर जब थोड़ा इस चटनी का मॉइस्चर सूख गया है, तो जो मसाले हमने रोस्ट किए थे उन्हीं को मैंने दरदरा पीस लिया था, और इनको सभी को मैं अच्छे से इसमें मिक्स कर दूंगी। ये देखें, अच्छी तरह से मैंने इसको मिक्स कर दिया है। थोड़ा सा सॉल्ट भी आप इसमें ज़रूर ऐड करें, मैंने शुरू में फूड कलर के साथ में सॉल्ट ऐड किया है, जो कि मैंने स्किप कर दिया है, मिस हो गया है मुझसे। तो आप यहाँ पर सॉल्ट भी ऐड कर दें इसी मसाले के साथ। आम के खट्टे मीठे फ्लेवर के साथ इन मसालों को यूज़ करने से और इनको रोस्ट करके अच्छी तरह से डालने से इनमें एक स्पाइसी सा फ्लेवर आ जाता है, जो काफ़ी अच्छा लगता है। उसके बाद मैंने कुछ इसमें मगज़ डाले थे, थोड़ा सा मैंने गोला इसमें काट के डाला था। आप चाहें तो कोकोनट को, गोले को ग्रेट करके भी डाल सकते हैं, बट मैंने यहाँ पर कट करके ही डाला है बारीक बारीक पीसीज में। और इस तरह से इन्हें अच्छे से मिक्स कर लें और ये हमारी चटनी बनकर हो गई है मिनिमम रेडी। थोड़ा सा गोला मैंने इसमें ग्रेट करके भी डाला है, आप चाहें कोई भी ड्राई फ्रूट इसमें ऐड कर सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल हो या जो आपको पसंद हो, काजू बादाम पिस्ता या कुछ भी ग्रेट करके आप कोई भी ड्राई फ्रूट इसमें ऐड कर सकते हैं। और ऊपर से मैंने ग्रेट करके डाल रही हूँ इसमें गोला और इसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी। और काफ़ी अच्छा चटनी का लुक आता है इन छोटी छोटी चीज़ों को करने से, ड्राई फ्रूट्स वगैरह और मगज़ वगैरह डालने से। तिल भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, तिल भी काफ़ी अच्छे लगते हैं इस चटनी में। और ये देखें, चटनी मेरी बनकर हो गई है रेडी। और ये देखें कितना अच्छा इसका टेक्सचर आया है, बिल्कुल इसी तरह का, इसी तरह की कंसिस्टेंसी आपको रखनी है। थोड़ा इसे पतला ही रखना है, ज़्यादा गाढ़ा हमें नहीं करना है, तो तभी हमें गैस की फ्लेम को ऑफ कर देना है। तो जी ये देखें, ये बनकर तैयार हो गया खट्टी मीठी मसालेदार आम की लाजवाब चटनी, जो कि देखने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है और उससे ज़्यादा ये खाने में लाजवाब थी। और आप चाहें तो इसे रोटी के साथ, परांठे के साथ, पूरी के साथ, या फिर अभी रिसेंटली हमने बनाए थे आलू के परांठे, उसके साथ भी ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रही थी। तो आप किसी के साथ भी आप इसे खा सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी ये बनकर तैयार होती है। आप चाहें तो इसे जार में भर के स्टोर कर सकते हैं, और कोशिश करें कि आप इसे कांच के जार में ही भरकर स्टोर करें तो ज़्यादा बेटर रहता है और लंबे समय तक ये चटनी चलती है। ये देखें इस तरह से इसको स्टोर करें और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर रेडी हुई है। तो अगर वीडियो आज की आपको मेरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट्स करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।